एक तरफ जहां हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, लड़कियां आगे बढ़े, लड़कियां पढ़ लिख कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, लड़कियों को सरकार द्वारा तमाम तरह की शिक्षा से संबंधित योजनाओं से जोड़ा जाता है, लेकिन अभी भी सरकार की लापरवाहियों के वजह से ये योजनाएं विफल नजर आ रही हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नौतनवा का राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, जहाँ पे 1500 छात्राएँ पढ़ती हैं और उनके लिए मात्र 4 शिक्षक हैं। आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? 4। तो आप लोग बच्चे कितने हैं यहाँ पे? 1500। हमारे सारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है ठीक से, सुचारू रूप से नहीं चलती है। हम हिंदी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं बस, और ना ही मैथ की पढ़ाई होती है ना ही विज्ञान की पढ़ाई होती है। और हम यहाँ पे टीचर को बुलाना चाहते हैं। किस तरह से आप लोग अपने सब्जेक्ट पढ़ते हो? हमारी जो और 4 मैम हैं वो सब पढ़ाती हैं, और कुछ हम लोग ट्यूशन भी करते हैं और अपने से भी मैनेज करते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे कुल कितने छात्र आए हैं? 1500। और शिक्षक कितने हैं? 5। तो यहाँ पे शिक्षक नहीं है, बच्चों को किस तरह के प्रॉब्लम होते होंगे? अरे पढ़ाई नहीं हो पाता है, सारी पीरियड प्राइमरी में कोई टीचर ही नहीं है, जूनियर में कोई टीचर ही नहीं है। तो हम लोग 3 प्रवक्ता हैं और 2 इंटीग्रेट में, तो प्रवक्ता अपने अपने विषय पढ़ाएंगे, जो शेष समय रहता है हम लोगों का उसमें सारे क्लासेस को एक एक दो दो पीरियड क्लास करवाते हैं। बिल्कुल शिक्षक मिल जाए ताकि हम लोगों का भार कम हो जाए, एक क्लास एक एक टीचर के पास 5-5 बातें क्लास की बातें, क्लास टीचर ही कर रही हैं, वर्कलोड बहुत अधिक है और बच्चों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हम लोग की बहुत बातें हैं, मेहनत करने के बाद भी जो हम देना चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है शिक्षकों की कमी की वजह से। सारी पीरियड पढ़ाई सारी क्या आधी भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैं चाहता हूँ शिक्षा की समस्या का समाधान हो, और इसके लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी वीडियो देखने वाले हैं वो सीधे इस समस्या के निदान के लिए DM कार्यालय महाराजगंज सौम्य अग्रवाल के पास फ़ोन करें, वो उनके ऊपर दबाव डालें। उनका नंबर है 055-222-206। मैं संजय कुमार जायसवाल, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।